अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसी देख रहे हो MS व्लॉग। तो मैं मोहम्मद शफकत दोस्तों अपने YouTube चैनल तुहानू सारे नूं खुश आमदीद कहना दोस्तों। आज दा व्लॉग बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला दोस्तों। पहली गल तो है व्लॉग दे विच मैं तुहानू एक शख्सियत नाल मुलाकात करावांगा जिहड़े दोस्तों इस वेले जिहड़ा कि गरीबां नाल ना बहुत अच्छी उन्होंने हैल्प कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दे काम कर रहे हैं कि जिहड़ा किसी बैंक हैगा कोई वड्डा बैंक उहदे विच उह बड़े वड्डे अहुदे ते हैगे ने ते ओ माशाल्लाह उन्हां कोल काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते हैं जिंदे विच लोगों की हैल्प करते हैं। तुहाडी उस भाई नाल मुलाकात करवावांगा, मुलाकात करवा के ते उन्हां कोलों उन्हां दी जबानी पुछांगे कि वो की काम करते हैं। तो मैं फिलहाल उन्हें फोन कर लवां, फोन करके फिर मैं भाई नूं बुलाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मुश्ताक क्या हाल है जी, सुनाओ तबीयत से ठीक है? अच्छा दूसरा तुहाडे कोल टाइम लिया सी कि तुसीं कहा सी कि तुहाडे नाल मैं व्लॉग विच शामिल होवांगा नाल दे दूसरा ये दसांगे कि जिस तरीके नाल तुसीं लोगों की हैल्प करदे हो, इमदाद करदे हो। तो फिर हुण इस वेले तो मैं आ गया हाँ तकरीबन जिते तुसीं आखा सी उस जगह तो मैं पहुँच आया हाँ। तुसीं फिर किन्नी देर नूं आओगे? 5 मिनट तक? ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब, आ जाओ 5 मिनट तक, मैं तुहाडा इंतजार करना हाँ। तो तुसीं आ जाओ फिर, दसो ना जरा, अज मैं एक स्पैशल व्लॉग बना रहा हाँ तुहाडे वास्ते। नाले अज मैं अपने जो व्यूवर जो गाइज है इन्होंने चिड़ियाघर विखावगा तो नाल तुहाडे हवाले नाल जो यानी कि लोगों की इमदाद कर रहे हो, हैल्प कर रहे हो, इस बारे भी आपके व्यूवर्स में असं दसांगे दसांगे। ठीक हो गया, चल आ जाओ दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट का इंतजार है, 5 मिनटों बाद भाई मुश्ताक आवणगे मेरे कोल ते फिर तुहाडी उन्हां नाल मुलाकात करवावांगे। ना सिर्फ मुलाकात करवावांगे बल्कि तुहानूं बहावल नगर का जिहड़ा चिड़ियाघर है वह भी विखावांगे। बहुत जबरदस्त चिड़ियाघर बने हुए है ते भाई मुश्ताक बस मेरे को पहुंचने वाले है दोस्तों। बस पहुंच ही आया जनाब मुश्ताक अपने को पहुंच आया ने दोस्तों, चेक करो अपने को पहुंच आया ने जिवें जनाब पहुंच दे पहुंच अल्लाह जी थोड़े नाल मुलाकात कराने सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई मुश्ताक, क्या हाल है? खैरियत तबीयत ठीक है? ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जनाब। और सुनाओ तबीयत से ठीक है? हाजिर सर हाजिर। दोस्तों पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि अपने एक मिनट बाइक बंद करें ना जी। पहले इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम करते हैं और ये गरीबों की इमदाद कैसे करते हैं, पहले तो इनसे ये पूछते हैं। सर ये बताएंगे जरा? जी जरूर इंशाल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ और हम एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट चला रहे हैं जनूबी पंजाब के तकरीबन 6-7 अज़ला में, जिसमें हम कोई 75,000 गरीब घरानों के लिए हमने कारोबार की सहूलियात फराहम करनी है और कारोबार भी वो करके देने हैं जो लोग हमें ख़ुद जो है बताते हैं कि हमारे पास ये स्किल है और ये हुनर है और इसके मुताबिक हमें जो है कारोबार चाहिए, तो हम उनको 1.5 लाख तक जो है ग्रांट देते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं ये इस वक्त जनूबी पंजाब के कोई 6 अज़ला में चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर और इसके अलावा डीजी खान और तोंसा के जो अज़ला हैं इनमें हम काम कर रहे हैं। क्या बात है जी। तो इसमें जो है 3 मुख्तलिफ इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों बड़े इदारे जो हैं इसको चला रहे हैं। और आगे जो काम है फील्ड लेवल पे गरीबों के लिए, उसके लिए हम जो है भाग दौड़ करते हैं, उनको ढूंढते हैं और फिर उनके लिए हम बंदोबस्त करते हैं कि उनको क्या कारोबार करके दें। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्किल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम भाई से आपका कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। लेकिन जो अज़ला का, जिन अज़ला का उन्होंने नाम लिया, आप उस अज़ला से होने लाजम चाहिए। इसमें एक खुशकिस्मती यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर जो है वो भी हमारा शामिल है। जब प्रोजेक्ट ये बना था वर्ल्ड बैंक का और गवर्नमेंट ने इस पर काम शुरू किया तो शुरू में उन्होंने कहा जी 11 अज़ला में हम काम करेंगे, 11 ज़िलों में, जिसमें बहावलनगर का नाम भी शामिल है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट कल को बहावलनगर में भी ये प्रोजेक्ट शुरू कर दे, तो उसमें भी उम्मीद है कि यहाँ पे जो उस प्रोजेक्ट को चलाएंगे वो मैं ही हूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है आप लोगों के लिए काम करेंगे यहाँ पे जो इलाके के गरीब हैं। इसमें ना सिर्फ हम कारोबार करके देते हैं और वो कारोबार भी बिल्कुल मुफ्त है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। और इसके अलावा जो है इसमें आगोश के नाम से एक सेहत के हवाले से गरीबों के लिए काम हो रहा है, जिसमें 23,000 तक एक घर को इमदाद दी जाती है। जो बच्चे ख़वातीन जो है हामला ख़वातीन होती हैं वो गवर्नमेंट के जो बुनियादी मरकज़ सेहत हैं वहाँ पे जाते हैं, अपना अंदराज कराते हैं और उनको फिर गवर्नमेंट जो है वो हर विज़िट पे पैसे देती है। और उनके बच्चों को जब टीका जात लगते हैं हिफाजती,
तो उसमें भी उनको पैसे मिलते हैं। एक ये आगोश है और दूसरा तीसरा इसमें एक और बड़ा जो प्रोजेक्ट में काम है वो है तालीम के हवाले से। तो तालीम में भी गवर्नमेंट ने जितने भी इन अज़ला में गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनमें जो है बच्चों के लिए मुख्तलिफ लैब्स बना दी हैं ताकि वो बच्चे वहाँ पे आके और खेल कूद के ज़रिए तालीम की तरफ रागिब हों और उनके लिए वहाँ पे बड़ी अच्छी सहूलियात हैं, कमरे हैं, लैब्स हैं, टीचर्स वहाँ पे रखे गए हैं और उनको ट्रेनिंग दी गई है इस हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो इस वजह से किया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इंसानों के ऊपर बहुत कम पैसा लगाया जाता है, तो क्यों ना पाकिस्तान के जो गरीब ज़िले हैं, जिन गाँव में बसने वाले गरीब लोग हैं, उनके ऊपर क्यों ना पैसा लगाया जाए। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो बाकी इंशाल्लाह आज शफकत भाई ने मुझे दावत दी कि मेरे व्लॉग में आप शामिल हों तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने अपने चैनल पर मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। और आगे जो व्लॉग है आज का वो आप मैं कंटिन्यू करूँगा, शफकत भाई जो है वो मेरे साथ होंगे। ठीक हो गया गाइस, इस वक्त जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करने के लिए भाई मुश्ताक को मैंने दे दिया। आज का व्लॉग भाई मुश्ताक के नाम यहीं पे चलेगा और साथ में आपको दिखाएंगे क्या, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हमारे इलाके में एक बड़ी एक अच्छा पॉइंट है, चिड़ियाघर है और साथ में सतलुज पार्क भी है। सतलुज पार्क भी है तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने व्यूवर्स को जो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की जो दूसरी तहसीलें भी हैं जैसे चिश्तियाँ है, हरूनाबाद है, फोटाबास है, मिंचनाबाद है और इसके साथ साथ हमारे जो इधर आरिफ वाला पाक पतन जो हमारे ज़िला लगते हैं उनमें से भी अगर कुछ लोग इधर विज़िट करने के लिए आना चाहें तो उनको हम दिखाना चाह रहे हैं और हमारे भावलनगर के लोकल लोग जो हैं उनको भी इस चिड़ियाघर से हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी जो है ईद की मसरूफियात में अगर उनके पास आगे टाइम हो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए और वो कहीं पर घूमना फिरना चाहें तो हम पहले से ही आपको वो सारे एक इलाका दिखा देते हैं कि ये अच्छा पॉइंट है भावलनगर में। जो भी अगर कोई किसी और काम के सिलसिले में कभी आना इत्तफाक होता है तो वो यहाँ पे आके विज़िट कर सकता है। तो हम इंशाल्लाह अभी सफ़र में भी आपको चीज़ें बताते जाएंगे और जब चिड़ियाघर पहुँचेंगे तो आप एक आपको जो है पूरा रिव्यू दिखाएँगे और ये भी दिखाएँगे कि यह भावलनगर की कौन सी जगह पर वाक़ है ताकि वहाँ पर एड्रेस और बाकी चीज़ें जब भी आप आना चाहें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी, अब चलते हैं। चल चलो जामन देखो दोस्तों, ये लगे हुआ है इतवार बाज़ार, तुम दिखा देने ए लगे हुआ है भावलनगर इतवार बाज़ार। इतने बिल्कुल सस्ता समान तुम्हें खरीदा मिलेगा लेकिन जो समान तुम सस्ता खरीदोगे उनकी क्वालिटी माठी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होंगी नहीं होगी, बिल्कुल माठी क्वालिटी होगी, हल्की लो क्वालिटी वाला समान होगा इतने तुम्हें खरीदने मिलेगा और मिलेगा बहुत सस्ता। दोस्तों ये है बहावल नगर के फोरट वाली पुल, पुल वाली पटड़ी हैगी दोस्तों। इतने का जो व्यू है बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत व्यू है दोस्तों। इस वेले तुसी देख सकते जे कि दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी आया है, तुहानू बैक कैमरा फुल घुमा के फुल व्यू दिखा देना दोस्तों। यह पुल हैगी है, अगर तुहाडा कदी इत्थे आना होवे दोस्तों तो इस जगह का विजिट लाजमी करना है। इत्थे तुहानू बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि इत्थे दी ठंडक और ठंडी हवा, दरख्तों की खूबसूरत छाँव और ये जो नज़ारा तुसी देख रहे हो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों ये है वो बहावल नगर की फोरट वाली पुल की जगह जहाँ पर लिखा वो इला बहावल नगर, जहाँ से हम बहावल नगर के लिए इंटर होते हैं और फोरट वाली पुल हमने क्रॉस करने के बाद दोस्तों ये साथ में दिखा देते हैं आपको। ऑलरेडी यहाँ ठेले लगे हुए हैं और ये सरकारी पीछे दफातर हैं और यहाँ पर जंगलात की सूरत में बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं और यहाँ हमने गेट क्रॉस कर लिया। साथ में आप देख सकते हैं ये घोड़ा चौक है और यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत है।
दोस्तों जिमें असी पुल फोटोआ क्रॉस की है उस तो बाद है, सामने देख सकते हैं जंगीर गार्डन है ते नाल तो नाल सड़क घुमा के विखा देना हाँ। ये जो दफ्तर पिछे आया सी सारी तरह दफ्तर दोस्तों इसको अदालतों वाला रोड कहा जाता है, DHQ अस्पताल वाला रोड भी कहा जाता है, जंगीर गार्डन वाला रोड भी कहा जाता है। ये मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो दीवारें हैं ये अदालतों की दीवारें बनी हुई हैं और ये सामने अदालत से हम क्रॉस कर रहे हैं साथ में राइट साइड पर। उसके बाद यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में दिखाऊँ तो यहाँ पर अलाइड स्कूल बना हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों आगे की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ज़िला काउंसिल आ जाता है और सामने इसके बिल्कुल ये DC का ऑफिस आ जाता है। इसकी दीवार के ऊपर जितने भी पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ शख्सियात हैं उनकी यहाँ पर पेंटिंग के साथ फ़ोटो बनाई गई है। ये DC ऑफिस का गेट है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे लेफ्ट साइड पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो कि अस्पताल रोड पर एक यूटिलिटी स्टोर आए वो सामने यूटिलिटी स्टोर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर DHQ अस्पताल की दीवारें जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाती हैं और ये DHQ अस्पताल का पहला गेट है जो कि बंद पड़ा रहता है हर वक्त। और इसके साथ साथ अगर कोई मखसूस ज़्यादा ज़रूरियात हो तो उस वक्त ये गेट खोल दिया जाता है। और यहाँ पर इस वक्त हम मेन गेट के ऊपर पहुँचने वाले हैं दोस्तों। ये साथ में आप देख सकते हैं राइट साइड पर मेन गेट आ चुका है DHQ अस्पताल का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल। और साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों राइट साइड पे ये बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं दोस्तों। ये वो लोग हैं जो लोग मरीज़ों को रेफर, जिन मरीज़ों को कर दिया जाता है भावलपुर या फिर लाहौर, उनको ये उनसे किराया लेकर उनको उनकी जहां पर उनको रेफर करते हैं वहां पे उनको छोड़ के आते हैं। दोस्तों ये रेलगाड़ी वाला फाटक के ऊपर मैं पहुंचने वाला हूं और यहां पर जो इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूं मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पे हॉट ब्रेड बनी हुई है और यहां पर पकौड़े समोसे भी बनाए जाते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। और इसके साथ साथ दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे भावल नगर का जो फाटक है वो मैंने क्रॉस कर लिया। फाटक क्रॉस करने के साथ साथ अगर आपका कभी भावल नगर चक्कर लगे और आपने अगर कुल्फ़ी खानी हो तो यहाँ पर अरशाद निराला की आप कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। यहाँ की जो कुल्फ़ी है वो बहुत ही लजीज मज़ेदार होती है दोस्तों, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। रेट इनके ज़्यादा हैं लेकिन कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी बनी होती है दोस्तों। दोस्तों ये खादमाबाद रोड पे पानी वाली टैंकी के साथ हैदर स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ पर क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, दूसरे मैच भी खेले जाते हैं लेकिन यहाँ पर कसीर ताद के अंदर यहाँ पर मकामी टीमें ही मैच खेलती हैं, बाहर की टीमें यहाँ पर। दोस्तों ये मिजनाबाद रोड है, इस वक्त खादमाबाद हमने क्रॉस कर लिया। इसके साथ ही आगे मैं आपको राइट साइड पर दिखा देता हूँ वो जो ब्लैक कलर और येलो कलर के आप देख सकते हैं शटर लगे हुए हैं, ये है बिस्मिल्ला होटल भावल नगर का। ये ट्रैक अड्डे के नाम से मशहूर बिस्मिल्ला होटल है। यहाँ पर ताज़ा कट्टे का गोश्त, बकरे का गोश्त और मुर्गे के गोश्त की कढ़ाइयाँ बनाकर यहाँ पर बेचते हैं। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश लगा होता है दोस्तों। अगर कभी कभार आपका दिल हो कट्टे की कढ़ाई खाने का, बकरे की कढ़ाई खाने का, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दोस्तों ये मिजनाबाद रोड जा रहा है, सीधा सामने से देख सकते ने इतों असी टर्न हो गए राइट साइड पर, है गोल चक्कर आ गया। इनू चुंगी भावल नगर वाली कहा जाता है, करमा वाले पेट्रोल पंप वाली चुंगी। ए सामने राइट साइड पर तुम वेख सकते हैं कि शेड लगे हुआ है जो मैं तुम्हें कैमरा घुमा कर दिखा दी। छावनी बहुत बड़ी छावनी है क्योंकि बॉर्डर एरिया भावल नगर डिस्ट्रिक्ट के नाल नाल, इस वजह तो आर्मी चाहिए कि इतने अपना एक सैटअप बना
ताकि बॉर्डर के नजदीक उन्होंने अपना एक छावनी पूरी हो। दोस्तों इतने कैंपस भी है बच्चों के पढ़ने वास्ते यूनिवर्सिटी। दोस्तों जिस चीज़ का इंतजार सी, इंतजार की घड़ियाँ आई खत्म। दोस्तों चिड़ियाघर से आया पहुँच, चेक करो दोस्तों, बड़ा ही प्यारा व्यू है चिड़ियाघर के, बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है दोस्तों। तो तुम देख सकते जे कि जिमें कि मैं तुम्हें कहा कि चिड़ियाघर की तुम सैर करावे जू की, तो असं चिड़ियाघर के आ दोस्तों तो नाल चल के तुम अगर चलते अगला सीन दिखा दें। चेक करो दोस्तों ए चिड़ियाघर आ गया मेन गेट। दोस्तों भाई जान सलाम अलैकुम भाई। अच्छा भाई बड़ा दे दो टिकट मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल की टिकट कहते ले लो, दे दो मोटरसाइकिल टिकट दे दो भाई। जब तुम आना इतने जो तुम आना भाई मोटरसाइकिल आपका अंदर ही ले आना सेफ्टी वास्ते, क्योंकि बाहर मोटरसाइकिल गायब हो जाते जे। जो भी तुम आना है तो मोटरसाइकिल अंदर ले आना भाई, स्टैंड की पर्ची कटवा लेना वह फायदा है तुहाडा। दोस्तों ये चिड़ियाघर की एंट्री जे मेन एंट्रेंस है जी, तो हम अगे चलने तुम अगे का व्यू भी खाने चला जाओ। दोस्तों असं बिल आखिर इतने पहुँच चुके हैं और ये बहावल नगर का एक बहुत ही पुरसकून एक जगह है जिथे लोग जड़े ने अपने फारिग टाइम से वाक भी कर सकते हैं। इतने वाक ट्रैक बने हुए बकायदा और उस तो इलावा जोड़ा है इतने मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और बंदर रीछ मोर बतख और इस तरह के मुख्तलिफ असी तुहानू एक एक चीज़ विजिट करावांगे और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन एरिया है माशाल्लाह, तो खुला एरिया है, बहुत अच्छी जगह है इत्थे। दोस्तों अगर तुसी कभी भी चिड़ियाघर आओ बावल नगर तुहाडा खाण नू कोई जी करदा है तो सब तो पहले जो तो मेन इंट्रेस होंगी उस बाद तुम दोनों मैं चेक करा देना है कैंटीन है बिल्कुल जी। ए कंटीन का बोर्ड लगे हुआ है, किसी बंद भी आएगा तो वेख सकता है जी। ए कंटीन का सामने बोर्ड आ चुके दोस्तों, इस रुख वाले ए मेन एंट्रेंस सामने मेन गेट, उस तो थोड़ा जि फिर अगे आवेंगे तो ए नाल ही कंटीन वाले जा रहा है रस्ता। दोस्तों सामने कंटीन नज़र आ रही है, कंटीन का जो एक्सपीरियंस है वह कोई इतना अच्छा नहीं है क्योंकि असी लास्ट टाइम जो आए थे तो असी कंटीन से इतने चीज़ा लैन गए, काफ़ी महंगी चीज़ें देंगे सी, तो लिहाजा कोशिश ये करो कि अपना खाण पीन का बंदोबस्त लो अगर ज़्यादा टाइम गुजारना है। अगर कम टाइम गुजारना है इतने तो बस तुम फिर अपना ड्रिंक वगैरह साथ लो। बाकी ये कंटीन वाले तो पता ही है जिते भी कोई कंटीन होंगी है किसी मखसूस जगह पर वो अपने मर्जी के रेट लाते हैं तो बंदे नूं देने पैंदे। दोस्तों सामने तुम चेक कर सकते हैं ये बहावल नगर का जो मेन नक्शा है ना इसका चिड़ियाघर का वो आपके सामने। दोस्तों आगे की बात भाई मुश्ताक आपको बताएंगे। दोस्तों अच्छा जी ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये दरमियान में है तकरीबन इंटरेस्ट के बाद, सबसे पहले आप पहले चलो भी करा जो आज फुआरा चौक आता है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो चारों तरफ जो है उसका मैप बना हुआ है, सड़कें निकल रही हैं, अभी हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों ये चेक करो खुराक मकौड़े ने पालक वगैरह बनाया हुआ पानी का ताकि ये स्पून से पानी पिए और इधर रहे, और कुछ यहाँ पे डक्स ने अंडे भी दिए हुए हैं वो सामने आप देख सकते हैं, और अब ये रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है, पानी शानी पी के स्पून से आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों भाई मुश्ताक इस वेले झूले ते बह गए ने, दोस्तों तुसी चेक कर सकते हो नाल ही, हुण मैं भी फिर वापस इत्थे झूले ते आ रहे हां। दोस्तों तो तुहाडे विखावांगा पूरे विलॉग नूं मुकम्मल इंजॉय करना, दोस्तों तुहानूं बहुत ज़्यादा मज़ा आवण वाला है। लो जी मैं भी बह गया जी दोस्तों झूले ते, हुण तुहानूं विखाने आया सी, लो जी
मजा आ रहा है यार, बहुत मजा तो आना ही है। फ्री के झूले मिल रहे हैं, ने पैसे लगे ने, पैसे जिन्ना तो लगते ना उन्होंने पूछो। दोस्तों झूले ले लै तो हम चलने तो अगे तो जाके व्यू विखाने नाल। दोस्तों चेक कर सकते हो की चीज़ है भाई मुश्ताक, और इनकी खुराक जो है घास, कीड़े मकोड़े, फ्रूट और दूध वगैरह। आपको दिखाया हमने मोर, और इसके बाद हम दिखाते हैं वो सामने क्या है, वो सामने क्या है, वो छोटे छोटे वो भी मोर है या क्या है, कोई चीज़ आयो। दोस्तों ये भी देखते हैं, बत्तख है, बत्तख है।
दोस्तों तो अज का विलाग हो गया कंप्लीट। तुसी देखिया कि किस तरीके तुहानू चिड़ियाघर की सैर कराई। अगे बोलो जी तुसी। ते हुण असी लैने इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलांगे किसी नई वीडियो दे नाल, किसे नए विलाग दे नाल। ढेर सारा ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़। गांव में याद रखना, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़। डर भी लगता है जब मैं नहीं कर रहा हूं। डर भी लगता है तो देखना देखना पवे।